में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में तांडव मामले पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही है अश्लील सामग्री। राजस्थान विधानसभा में सतीश पूनिया के भाषण के दौरान हंगामा। पूनिया और शांति धारीवाल में जमकर हुई बहस। विधानसभा में उठा बिना लैंड कन्वर्जन कृषि भूमि पर चल रही औद्योगिक इकाइयों का मामला। 18 मार्च को पारित होगा राज्य का बजट। प्रदेश के बेरोजगारों ने खोला राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा। राजसमंद में शुरू किया नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान। कोरोना वैक्सीनेशन के चौथे दिन देश के कई बड़े नेताओं ने कोरोना का टीका लगवाया। इन नेताओं में मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई अन्य बड़े नेता शामिल रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल पहुंचकर आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इसके साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने आज दिल्ली के एम्स पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। सुप्रीम कोर्ट में तांडव मामले को लेकर आज सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री प्रसारित की जा रही है, इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कुछ प्लेटफॉर्म पर तो पोर्नोग्राफी भी दिखाई जा रही है। अदालत ने कहा कि इससे संतुलन बनाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह सोशल मीडिया पर बने नियमों की जानकारी दे। इसके साथ ही कहा कि अमेजन प्राइम की इंडिया प्रमुख अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी। शिवसेना ने फैसला किया है कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ट्वीट में बताया कि पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद ये अहम निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी बताते हुए संजय राउत ने लिखा कि शिवसेना एकजुटता से उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि परिदृश्य को देखते हुए साफ हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में दीदी बनाम सभी की लड़ाई है। सभी विरोधी पार्टियां एम मनी मसल और मीडिया को एम ममता दीदी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे देखते हुए शिवसेना ने निर्णय लिया है कि वह पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। राजस्थान विधानसभा में आज हंगामे की स्थिति बनी रही। विधानसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बजट बहस में बोलने के दौरान मंत्रियों की टोकाटाकी को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस कारण सदन की कार्यवाही को आधे घंटे तक स्थगित करना पड़ा। बार बार टोकाटाकी से पूनिया को बीच में ही अपना भाषण खत्म करना पड़ा। पूनिया के भाषण खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और सतीश पूनिया के बीच बहस भी हुई। इसके बाद नाराज भाजपा विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। प्रश्नकाल के दौरान उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने माना कि रामगंज मंडी में 4 औद्योगिक इकाइयां बिना लैंड कन्वर्जन के कृषि भूमि पर चल रही है। इस पर भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख ने सवाल उठाया कि उद्योग विभाग की कोई जिम्मेदारी है या नहीं। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिना कन्वर्जन चल रही औद्योगिक यूनिट्स को लीगल नोटिस देकर 15 दिन में बंद करवाने की कार्रवाई होगी। वहीं राजस्थान विधानसभा में 18 मार्च को राज्य का बजट पारित होगा। 18 मार्च को वित्त और विनियोग विधेयक सदन में बहस के बाद पारित किए जाएंगे। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद उसका प्रतिवेदन सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने सदन में रखा। बीएसई ने सदन का 18 मार्च तक का कामकाज तय किया है। 5 मार्च से लेकर 17 मार्च तक कुल 8 दिन सदन में बजट मदों से जुड़ी अलग अलग अनुदान की मांगों पर बहस होगी। 6 और 7 मार्च, 11 मार्च, 13 से 14 मार्च को विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। विधानसभा में मदरसा पैरा टीचर्स के तबादलों के सवाल पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद घिर गए। दरअसल कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने मदरसा पैरा टीचर के तबादलों को लेकर सवाल पूछा था। इस पर जवाब देते हुए मंत्री साले मोहम्मद ने कहा कि मदरसा पैरा टीचर स्थायी पद नहीं होकर संविदा आधारित है, इसलिए तबादले की अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गई है। बीमारी या अन्य कारणों से मानवीय आधार पर कई बार तबादले किए गए हैं। जोधपुर कोर्ट ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की ट्रांसफर याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। सलमान ने काला हिरण शिकार तथा आर्म्स एक्ट मामले में केस को ट्रांसफर कराने की याचिका पेश कर रखी है। वे जिला एवं सत्र अदालत जोधपुर में चल रही सुनवाई को सीधे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करवाना चाहते हैं। ये याचिका हाईकोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई की कोर्ट में आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। उन्होंने इस याचिका को सुनने से इनकार करते हुए उसे अन्य बेंच में रेफर कर दिया है। प्रदेश के बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
मंत्रिमंडलीय समिति से 16 सूत्री मांगों का निस्तारण नहीं होने से बेरोजगार नाराज है। बेरोजगारों ने राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया एवं राजसमंद विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र से नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान की शुरुआत की है। पहले ट्वीट पर नौकरी नहीं तो वोट नहीं को 3.5 लाख से ज्यादा ट्वीट करके देश और प्रदेश में एक नंबर पर ट्रेंड करवाकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। राजसमंद के युवा बेरोजगारों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं देने व घर घर जाकर मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं देने की अपील की, शपथ लेकर आर पार की लड़ाई की घोषणा की है। फुलेरा के बोराज में ईस्टर्न कैनाल का पानी लाने की मुहिम को लेकर एक बैठक हुई। ये बैठक बोराज सरपंच सुरेंद्र सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को कालक बांध में पानी लाने की मांग रखी है। समिति के संयोजक डॉक्टर महावीर शास्त्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से हम सूखे पड़े समस्त बांधों और नदियों में पानी लाने की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। जल बंटवारे और राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिलने के कारण इस प्रोजेक्ट का कार्य शुरू नहीं हुआ है। मीटिंग में बोराज से लेकर भंदे का बालाजी तक विशाल शांति पैदल मार्च और वाहन रैली के आयोजन के बारे में भी चर्चा की गई। जोधपुर जिले के बावड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत बिराई में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। तहसीलदार धनाराम गोदारा ने बताया कि उपखंड अधिकारी सुमित्रा पारिक की उपस्थिति में सभी विभाग के कर्मचारियों के साथ रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनों को विस्तार पूर्वक बताया गया। अलग अलग विभागों के कार्मिकों ने अपने अपने विभाग में चल रही विशेष योजना, राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी, अन्य परिलाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ग्राम पंचायत बिराई के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें SDM पारिक ने घर घर जल योजना के तहत सरकार की स्कीम का लाभ उठाने के लिए कहा। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि 2020-21 पर 8.5% ब्याज देने का फैसला किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी मंडल की श्रीनगर में बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में 2020-21 के लिए ब्याज दर में बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। कोरोना काल में कई योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज कम हुआ था, लेकिन EPF खातों में अधिक ब्याज मिलता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए PF राशि पर ब्याज दर की घोषणा करता है। चालू वित्त वर्ष में EPFO ने 8.5% की दर से ब्याज देने का फैसला किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।